सो गाइस, आज 2021 का पहला जनवरी है, तो इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना आज एक टेंपल का टूर किया जाए, टेंपल राइड किया जाए। सो इसीलिए हम लोग आए हैं भीमाशंकर टेंपल पे। बहुत ही खूबसूरत जगह है, आपको पहले भी इसका व्लॉग बना के मैं दिखा चुका हूँ। आज भी मैं वही 01/01/21 को मैं आपको ये वीडियो फिर से करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे 1 जनवरी में कितना आदमी होता है उसके ऊपर ही मैं आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा। शुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए और राइट हैंड साइड में जो बेल का आइकॉन है इसको भी प्रेस करके थोड़ा पुण्य कमा लीजिए और हमें भी पुण्य कमाने का मौका जरूर दीजिए। तथास्तु। यहाँ का जो नेचुरल सीनरीज जो है बहुत ही खूबसूरत है। ये भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग टेम्पल दाकिनी पहाड़ में स्थित है, जो कि आपका NH-37 से हार्डली आप 6-7 किलोमीटर आना पड़ेगा, उस फिर आपको लेफ्ट टर्न लेना पड़ेगा। वहाँ पे गेट है भीमाशंकर टेम्पल का, वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, वहां से आपको हार्डली 1 किलोमीटर आना पड़ेगा। गाड़ी पार्किंग मंदिर का सामने भी कर सकते हैं, और सीजन का टाइम है, आगे में कार पार्किंग करना जरूरी है। बहुत सारा गाड़ी है, इस ट्रैफिक जैम हो जाता है और आदमी भी बहुत सारे हैं। ज्यादा दूर नहीं है, मेहनत नहीं करना पड़ेगा। इतना लंबा लाइन देख के तो कोई भी पागल हो जाएगा। एक लाइन बढ़ते ही जा रहा है, कम से कम आधा घंटा एक घंटा तो लग ही जाएगा वो लाइन में खड़े होते होते। वाह, ठंडा सुने बापरे। डूब मारो मैं एपिसोड वाइज या चैप्टर वाइज मैं काजीरंगा का वीडियो जो दे रहा था वो का वीडियो कंटिन्यूअसली इसीलिए नहीं दे पाया, क्योंकि आज 1 जनवरी है, एक अच्छा वीडियो आपको दिखाने की कोशिश में था, तो इसीलिए मैं आज ये व्लॉग जो है अपलोड कर दिया। चैप्टर 2 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। इसका पहला वाला जो वीडियो था वो चैप्टर 2 था, अभी चैप्टर 3 आने का बाकी है। उसके बाद धीरे धीरे करके मैं एक एक करके आपको वीडियो डालते रहूंगा, आप लोग एंजॉय जरूर करिए। बस दैट्स इट, थैंक यू। Thank you.
भीमाशंकर टेम्पल से ठीक पीछे में हूँ और यहाँ का जो सीनरी है बहुत ही बढ़िया है। ये जंगल है और ये जंगल जो है आपका, यहाँ पे आप गैर कानूनी हरकत कुछ भी नहीं कर सकते हैं और ऊपर से यहाँ पे डिपर बिल का अंडर पड़ता है तो इसीलिए ये बहुत सेफ जगह है। और यहाँ पे जंगली एनिमल्स कुछ कुछ देखने को मिलेगा। डिपर बिल में पहले भी वीडियो करके दिखा चुका हूँ और वहाँ पे अच्छी अच्छी बर्ड्स जो है आपको देखने को मिलेगा। सुबह आने से बहुत बढ़िया होगा या फिर शाम को आने से, अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन है तो डेफिनेटली अभी का माहौल जो है, अभी का सीनरी जो है आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत लुभाएगा। बहुत दूर दूर से पक्षी आते हैं यहाँ पे। आधा घंटा एक घंटा लाइन रहने के बाद हम लोगों को जागजा जो है हम लोग कर पाया, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसीलिए जल्द से जल्द आने का बहुत इम्पोर्टेंट है। और ओकेजनली शिव पूजा हो गया, भोले बम में तो और भी लंबा लाइन होता है और आज 1 जनवरी है, सो इसीलिए आज बहुत सारे आदमी यहाँ पे आके पूजा करने के लिए सिर्फ। पीछे का हिस्सा जो देख के बहुत ही बड़ा जंगल है, कितना दूर तक फैला हुआ है मैं इसके बारे में आपको नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि मैं उतना दूर तक जाऊंगा नहीं। तो जितना हो सके मैं अंदर तक आया था, अंदर आके मैं आपको वीडियो दिखाया और यहाँ पे मैं सब कुछ वीडियो शूट किया। बहुत ज्यादा अमेजिंग है, तो आइए जरूर आइए, फ्रेंड के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ, किसी के साथ भी आ सकते हैं ये टेम्पल। बस दैट्स इट। ओम नमः शिवाय। ओम बोल भले। गाइज वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बोलिए, अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर एनीथिंग यू कैन डू दैट। आपके लिए नया नया वीडियो मैं लाते रहता हूँ और इसीलिए आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करे बिना मत चले जाइए और लाइक कमेंट शेयर एनीथिंग यू कैन डू दैट। पहले से बोल रहा हूँ, बोल अभी भी बोल रहा हूँ, क्या बोलूँ और 2021 में मैं और आपको क्या दे सकता हूँ। अच्छी अच्छी वीडियो में लाते रहूंगा सभी के लिए, ये मेरा सबसे पहली कोशिश है सिर्फ आप लोगों की। तो गाइज आज का वीडियो में बस यही तक था, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बोलिए, अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर एनीथिंग you can do that। Till then, Jai Hind, Vande Mataram, enjoy your home, bye bye।